हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक सिक्योरिटी डीमेट अकाउंट और एम स्टॉक। अभी यह दोनों ही डीमेट अकाउंट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं क्योंकि इनमें जो लगने वाले चार्जेस हैं तो वो जीरो हैं। तो इसीलिए एक न्यू ट्रेडर शुरुआत में ये सोचता है कि हमको ब्रोकरेज चार्ज ना देने पड़े तो कोई हम ऐसा डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। और काफ़ी सारे जो पुराने ट्रेडर हो चुके हैं तो उनको ही पता है कि हमें बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। तो दोस्तों इसीलिए वो भी एम स्टॉक या फिर कोटक सिक्योरिटी में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने की सोचते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दोनों ही डीमेट अकाउंट को कंपेयर करके देखेंगे कि बेस्ट डीमेट अकाउंट कौन सा है और हमें अपना डीमेट अकाउंट एम स्टॉक में ओपन करना चाहिए या फिर कोटक सिक्योरिटी में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि हम दोनों कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे कि कंपनी कितनी पुरानी है और इनके हेड ऑफिस वगैरह कहाँ पर हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी में अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्या है, फिर हम देखेंगे कि AMC चार्ज क्या है, फिर हम इसमें ब्रोकरेज चार्ज भी देखेंगे कि ब्रोकरेज चार्ज के लिए हमें कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद हम देखेंगे MTF फैसिलिटी, मतलब कि किस डीमेट अकाउंट में हमें कितनी मार्जिन ट्रेड फंडिंग मिलती है और उस पर इंटरेस्ट कितना लगता है। फिर इसके बाद हम पब्लिक के रिव्यू देखेंगे कि आखिर इन एप्लीकेशन के बारे में पब्लिक का क्या कहना है, जो लोग इसको यूज कर रहे हैं उनका फीडबैक क्या आ रहा है। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोनों की हिस्ट्री, तो हम एम स्टॉक की बात करते हैं। तो दोस्तों मीरा असेट फाइनेंशियल ग्रुप, इसकी स्थापना 1997 में साउथ कोरिया में हुई थी और अभी के टाइम पर इसका जो एक न्यू ब्रांड है इंडियन शेयर मार्केट में काम करता है, इसका नाम है एम स्टॉक। एम स्टॉक की स्थापना 2022 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर इंडिया के मुंबई में बनाया गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी की। तो कोटक सिक्योरिटी, कोटक जो बैंक है ना, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 1985 में। इसके 9 साल बाद कोटक सिक्योरिटी ब्रोकिंग फर्म लॉन्च की गई 1994 में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एम स्टॉक 2022 में ओपन हुई थी, कोटक सिक्योरिटी 1994 से चली आ रही है, तो मतलब कि पुरानी यहाँ पर कोटक है और कोटक इंडियन है, जबकि एम स्टॉक इसका हेड ऑफिस तो इंडिया में है और यह इंडियन शेयर मार्केट के लिए ही अलग से एक ब्रांड है, लेकिन फिर भी इसकी जो मेन कंपनी है मीरा असेट तो वो साउथ कोरिया की है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दोनों डीमेट अकाउंट के प्लान क्या हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोटक सिक्योरिटी में आपके दो अकाउंट ओपनिंग के प्लान हैं। पहला उन लोगों के लिए है जिनकी एज 30 साल से कम है, तो उनके लिए अकाउंट ओपनिंग चार्ज तो फ्री है, लेकिन इसमें एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तो उसका चार्ज लगेगा इसमें 300 रुपये, मतलब कि 299। वहीं पर जिनकी एज अगर 30 साल से अधिक है तो उनका अकाउंट ओपनिंग है 99 रुपये और सब्सक्रिप्शन उनको नहीं लेना है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं एम स्टॉक की। तो एम स्टॉक में भी दोस्तों दो अकाउंट ओपनिंग के प्लान हैं। पहला है दोस्तों कि आप इसमें 0 रुपये देकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे अभी तक यह प्लान 149 रुपये था, लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया है कि फ्री का देखकर इसमें अकाउंट ओपन होंगे, तो अब इन्होंने 149 रुपये हटा दिया है और अब इन्होंने इसको फ्री कर दिया है। और इसमें दूसरा प्लान है 999 प्लस GST, तो यह टोटल आपका 1208 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दो प्लान है। अब हम देखेंगे कि दोनों में आखिर हमें क्या फैसिलिटी मिलती है और क्या हमें छूट मिलती है, ठीक है। तो इसको अभी हम समझेंगे। उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं इसमें लगने वाले AMC चार्ज के बारे में। तो एम स्टॉक में जो AMC चार्ज है वो लगता है 120 रुपये पर क्वार्टर, तो अगर हम इसको ईयरली देखेंगे तो 480 रुपये हो जाता है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम इसको फ्री करवाना चाहें तो AMC चार्ज एम स्टॉक में लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा अगर हम 999 प्लस GST और पे कर देते हैं, तो मतलब कि 1208 रुपये इसमें अकाउंट ओपनिंग का लग रहा था, और अगर हम इसमें AMC भी फ्री करवाना चाहते हैं तो 1208 रुपये हमें और देना पड़ेगा, तो लगभग 2424 रुपये देकर AMC चार्ज फ्री और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद इसमें एक लगता है ऑपरेटिंग चार्ज, ये भी AMC चार्ज ही है, लेकिन उन्होंने नाम इसका दूसरा दे दिया है। अब देखिए दोस्तों AMC चार्ज का मतलब होता है कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, मतलब कि आपने अकाउंट ओपन किया है या फिर आप हमारा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसका AMC चार्ज है, बाकी सभी ब्रोकर यही लेते हैं, लेकिन इन्होंने एक अलग से जोड़ दिया है ऑपरेटिंग चार्ज, जो कि किसी भी डीमेट कंपनी में नहीं है। तो ये यहाँ पर 118 रुपये क्वार्टरली वसूल कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इसमें वो है, मतलब कि इसमें एक हिडन चार्ज है, इसको ये सो तो कर रहे हैं लेकिन इन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में नीचे की साइड लिखा है।
वहीं पर अगर हम बात करें कोटक सिक्योरिटी में लगने वाले एएमसी चार्ज के बारे में, तो इसमें एएमसी चार्ज ₹50 पर मंथ लगता है, मतलब कि साल का हो जाता है आपका ₹600। अब हम बात करते हैं लगने वाले ब्रोकरेज चार्ज के बारे में। तो अगर हम एम स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट मान लीजिए ओपन करते हैं और इसमें हम प्लान सेलेक्ट करते हैं 999 प्लस जीएसटी, मतलब कि ₹1208 पे करते हैं, तो हमसे ब्रोकरेज चार्ज किया लिया जाएगा। तो अगर आप इंट्राडे में कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे जीरो ब्रोकरेज चार्ज देना है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई भी ट्रेड करेंगे तो आपको जीरो ब्रोकरेज चार्ज देना है। अगर आप डिलीवरी में करते हैं, मतलब कि किसी भी सेगमेंट में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपके ब्रोकरेज चार्ज हो जाएंगे जीरो। वहीं पर अगर आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर कोई भी चार्ज पे नहीं करते हैं तो आपसे एएमसी चार्ज भी लगेगा, आपसे क्वार्टरली वो चार्ज तो क्या सभी पे लगेगा, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज अगर आप डिलीवरी में कोई भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो जीरो लगेगा, और अगर आप इंट्राडे में करेंगे या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कोई भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको ₹20 पर ऑर्डर देना है। अब आपको अंतर समझ आ गया, यानी कि अब यह सभी डीमैट अकाउंट की तरह हो गया, जैसे सभी में चार्जेस लगते हैं, तो फ्री में अगर आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ भी वैसे ही चार्ज लगेंगे। अगर आपको ब्रोकरेज फ्री का मज़ा लेना है या फिर फ़ायदा लेना है तो फिर आपको इसमें 999 प्लस जीएसटी, मतलब कि ₹1208 पे करना ही होगा। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी की। तो कोटक सिक्योरिटी में अगर हमारी एज 30 साल से कम है तो हमको यहाँ पर ट्रेड फ्री यूथ वाला प्लान सेलेक्ट करना है। तो इसमें अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है लेकिन सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा है ₹299 का। तो इसमें जो हमसे ब्रोकरेज चार्ज के रूप में सभी सेगमेंट फ्री मिल जाएंगे, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन और डिलीवरी या फिर इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे तो वो डिलीवरी में आएगा। जैसे कि आप IPO में करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, तो यानी कि उनके लिए यहाँ पर सब कुछ फ्री है। और जिन क्लाइंट की एज 30 साल से अधिक है उनको ट्रेड फ्री प्लान सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर ₹99 तो लगेगा लेकिन उनको इंट्राडे फ्री मिल जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो उनको ₹20 पर ऑर्डर देना होगा। और अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं डिलीवरी में या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर उनको 0.25% के हिसाब से पे करना होगा। तो दोस्तों ये ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर आपसे लगने वाले हैं। और अब हम बात करते हैं मार्जिन ट्रेड फंडिंग की। तो अगर हम कोटक सिक्योरिटी में मार्जिन का यूज करते हैं तो मार्जिन हमें इसमें 4 गुना मिल जाता है। मतलब कि अगर हमारे पास ₹25 हैं तो हम कोई भी शेयर खरीद सकते हैं जिसका प्राइस ₹100 है, बाकी का 75% पैसा हमें देगा कोटक जो ब्रोकर है वो। लेकिन हमसे यहाँ पर जो पर डे का इंटरेस्ट है वो लिया जाएगा 0.028%। और अब हम बात करते हैं एम स्टॉक में मार्जिन ट्रेड फंडिंग का। तो इसमें हमें मार्जिन ट्रेड फंडिंग 5 गुना मिल जाती है। मतलब कि अगर हमारे पास सिर्फ ₹20 हैं तो हम कोई भी ₹100 वाला शेयर खरीद सकते हैं या फिर ₹100 वाला ट्रेड ले सकते हैं। और इसमें जो हमें इंटरेस्ट देना है, तो दोस्तों ये इसके कुछ प्लान हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है दोस्तों रिव्यू की। तो रिव्यू के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो पर व्यूज ज़्यादा आ जाते हैं और कमेंट भी ज़्यादा आ जाते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखेंगे एम स्टॉक का तो आप उसके नीचे उसके कमेंट पढ़ लेना। मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है तो इस पर अच्छे कमेंट भी हैं और बुरे कमेंट भी हैं, तो दोस्तों आप उनको पढ़ सकते हैं। वहीं पर अगर आप कोटक सिक्योरिटी के बारे में कमेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप कोटक सिक्योरिटी के वीडियो YouTube पर प्ले करें और उसके नीचे जाके कमेंट पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पर आपको नए नए कमेंट देखने के लिए मिलेगा जो व्यक्ति यूज कर रहे हैं उनका क्या कहना है। Google Play Store पर जाकर ना देखें क्योंकि वहाँ पर कमेंट कुछ करवा दिए भी जाते हैं। अब दोस्तों आपको कौन सा डीमेट अकाउंट सिलेक्ट करना चाहिए, तो इसका कोई भी मेरे पास परफेक्ट जवाब नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी 30 साल है या फिर उससे ज़्यादा है। अगर आप कोटक सिक्योरिटी में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो एज का मैटर कर जाता है। और वहीं पर आप कौन से सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये भी मैटर करता है। मान लो आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे आपको अगर आपकी 30 साल से भी ज़्यादा है तो आपको कोटक सिक्योरिटी में फ्री मिल जाता है। और इसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान लीजिए ये एप्लीकेशन आपको फ्री में ट्रेड करने की फैसिलिटी तो दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि ये उतना ज़्यादा फिर परफेक्टली वर्क नहीं करते। आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करेंगे पता चलेगा कि 1 मिनट बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपको वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में तो हमने दोनों एप्लीकेशन को कंपेयर किया है, लेकिन अगर आप किसी एक कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने दोनों ही कंपनी पर डिटेल वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो आप हमारे इन वीडियो को भी देख सकते हैं और इनके जाके आप कमेंट भी रीड कर सकते हैं।
तो वहाँ पर आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा, शायद वो आपके इस वीडियो में भी नहीं मिला हो, क्योंकि कमेंट में हर व्यक्ति का एक अलग नॉलेज होता है, तो उसको पढ़ के हम एक डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्त इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप हमारे और वीडियो देखना चाहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।